नमस्कार दोस्तों, गौरव शुक्ला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आपको WPF में डेटाबेस और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल इन WPF। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है माई WPF एप्लीकेशन। इस पर राइट क्लिक करना है, आपको ऐड करके न्यू आइटम लेना है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेटा पे जाना है आपको। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है सर्विस बेस्ड डेटाबेस। सर्विस बेस्ड डेटाबेस में जाके आपको नाम देना है, जो भी आपको डेटाबेस का नाम देना हो। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डेमो और ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपको करना है फिनिश। फिनिश करते ही देखिए दोस्तों, आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट साइड में demo.md करके आपका डेटाबेस आ गया है और ये डेटा सेट आ गया है साथ में। अब इसे आप demo.md को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों, सर्वर एक्सप्लोरर है आपका, इसके अंदर आपका demo.mdf आ गया है। यहाँ पे टेबल्स दिख रहा है, टेबल्स पे आपको राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू टेबल करके एक नया टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉलम का नाम पूछा है तो कॉलम के नाम डालिए, आईडी दूसरा लिया आपने, नेम तीसरा कॉलम लिया आपने, एज टाइप दीजिए सबको। यहाँ पे लिखिए इंटीजर, आईडी के लिए इंटीजर रहेगा, नेम के लिए देंगे हम लोग वैरकैर, एज के लिए भी इंटीजर रहेगा। आईडी को हम चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट वैल्यू ना ले और नल वैल्यू ना ले, तो हम लोग यहाँ पे उसको सेट प्राइमरी की सेट कर देंगे, जिससे कि रिपीटेड वैल्यू नहीं लेगा और ये नल वैल्यू भी नहीं लेगा। बाद में राइट क्लिक करके आपको सेव करना है, इस टेबल का नाम देना है स्टूडेंट और ओके करना है। ओके करते ही आपका टेबल्स के अंदर देखिए स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई है। इस पर राइट क्लिक करना है आपको और शो टेबल डेटा पे क्लिक करना है। शो टेबल डेटा करने से जो इतने भी उसके अंदर डेटा होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, बट अभी तक एक भी डेटा डाला नहीं गया है। अब हम लोग यहाँ पे डेटा डालेंगे, आईडी में 1 टैब, यहाँ पे नाम डाला टैब, उसका एज डाल देंगे, दूसरी आईडी यहाँ पे नाम डालेंगे, तीसरी आईडी यहाँ पे नाम डाल देंगे, चौथी आईडी, आपने 4 रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर डाल दिए। डालने के बाद दोस्तों, अभी तक ये रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ आपका, यहाँ पे देखिए ऊपर दिया रेड कलर का आइकन है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट SQL, शॉर्टकट है Ctrl+R, दिख रहा है। इस एग्जीक्यूट SQL बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये चारों रिकॉर्ड आपके टेबल में सेव हो गया है, स्टूडेंट टेबल में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपने देखा कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं WPF के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।